नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, 7 मार्च 2020 का आज अपना टॉप 10 करंट अफेयर का सेशन अपन शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2020 का ये सेशन नंबर 67 है। और दोस्तों, यदि आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल वाले बटन को दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के मोटिवेशनल लाइन है अपने लिए, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मेहनत करते रहिए दोस्तों, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ दोस्तों आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, कल का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे था कि निम्न में से किसे नोकिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नोकिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पेका लुंडमार्क। पेका लुंडमार्क को नोकिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में दोस्तों चुना गया है। दोस्तों, आज का अपना क्वेश्चन नंबर एक है कि निम्न में से किस शहर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का उद्घाटन किया है? पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का उद्घाटन दोस्तों किस शहर में किया गया? पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का उद्घाटन किया। पूसा कृषि विज्ञान मेले में रबी फसलों, फूलों, सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए ICAR, IARI और अन्य संस्थानों और निजी कंपनियों द्वारा विकसित कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी और बिक्री भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अतुल्य भारत के मोबाइल ऐप और वेबसाइट का नया संस्करण 3 नई भाषाओं में लॉन्च किया गया। दोस्तों, अतुल्य भारत का मोबाइल ऐप और वेबसाइट का नया संस्करण 3 नई भाषाओं में लॉन्च किया गया है। तो नीचे दोस्तों 4 भाषाएं दी गई, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी भाषा इनमें से नहीं है। 3 भाषाओं के अलावा ये कौन सी भाषा यहाँ पर दी गई है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच। फ्रेंच में इसका अनुवाद नहीं किया गया, अरबी में, चीनी में और स्पेनिश में दोस्तों अतुल्य भारत के मोबाइल ऐप और वेबसाइट का नया संस्करण लॉन्च किया गया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा नई दिल्ली में अतुल्य भारत वेबसाइट और मोबाइल ऐप के बहुभाषी संस्करण को लॉन्च किया गया। अतुल्य भारत वेबसाइट और मोबाइल ऐप के इस नए संस्करण को 3 नई भाषाओं, चीनी भाषा, अरबी भाषा और स्पेनिश भाषा में लॉन्च किया गया। ध्यान रखना दोस्तों कौन सी 3 भाषा है, चीनी भाषा है, अरबी भाषा है और स्पेनिश भाषा है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों अपना, सन 1968 में ओलंपिक कांस्य विजेता टीम का हिस्सा रहे भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 1968 में ओलंपिक कांस्य विजेता टीम का हिस्सा रहे भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बलबीर सिंह कुल्लर। बलबीर सिंह कुल्लर पूर्व हॉकी खिलाड़ी है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह खुल्लर का हाल ही में निधन हुआ। वह 1968 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के हिस्सा थे। उन्होंने अपना पहला मुकाबला 1963 में फ्रांस के लियोन में खेला था। साथ ही वह 1966 में बैंकॉक में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और 1968 में मेक्सिको में हुए ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का वो हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई विधान के कार्यान्वयन के साथ कौन सा राज्य विधानसभा पेपरलेस हो गई है? वह सब कुछ ई होगा, ई मतलब वहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन होगा, पेपरलेस हो गई है दोस्तों विधानसभा, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा पेपरलेस हो गई है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ई विधान प्रक्रिया लागू की है, जिसमें अब सदन की प्रत्येक कार्रवाई बिना कागज़ के इस्तेमाल के की जाएगी। ई विधान परियोजना के लागू होने के साथ ही अब विधायक विधानसभा से संबंधित सभी जानकारी, व्यवसाय की सूची और सदन की कार्यवाही से संबंधित पर्सन और अन्य दस्तावेज अपने लैपटॉप और टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण 6 मई से 8 मई 2020 तक आयोजित किया जाएगा? वह कौन सा शहर है जिसमें विश्व उत्पादकता कांग्रेस WPC का 19वां संस्करण 6 से 8 मई के बीच जिसका आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों यही इसी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि 19वें विश्व प्रोडक्टिविटी कांग्रेस की थीम क्या है? दोस्तों जो 19वां विश्व प्रोडक्टिविटी कांग्रेस है उसकी थीम क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इंडस्ट्री 4.2 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही जवाब है इंडस्ट्री 4.2 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी 19वें विश्व प्रोडक्टिविटी कांग्रेस की थीम है। तो दोस्तों विश्व उत्पादकता कांग्रेस है, वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस, वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस, विश्व उत्पादकता कांग्रेस, इसका दोस्तों 19वें संस्करण का आयोजन 6 मई से 8 मई के मध्य किया जाएगा और कर्नाटक के बेंगलोर शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। 6 से 8 मई के बीच में कर्नाटक के बेंगलोर शहर में इसका आयोजन किया जाएगा, 19वां संस्करण होगा और इसका जो विषय होगा, इसका जो थीम होगा वह है इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, विश्व उत्पादकता कांग्रेस भविष्य की उत्पादकता ग्रोथ को आकार और उत्पादकता विकास के लिए दुनिया में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मेलन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चाइना के द्वारा, चीन के द्वारा मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की जा रही है। चीन मार्च 2020 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा। चीन ने सभी पक्षों के साथ एकजुटता और सहयोग को मजबूत करने का संकल्प के साथ अध्यक्षता ली है, साथ ही इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने में परिषद की जिम्मेदारी पूरी तरह सुनिश्चित करना भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से किस संगठन ने राष्ट्रीय हित के क्षेत्रों में सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रमों पर काम करने के लिए पतंजलि जैव अनुसंधान संस्थान हरिद्वार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ICAR। ICAR ने पतंजलि जैव अनुसंधान संस्थान हरिद्वार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हरिद्वार स्थित पतंजलि जैव अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक स्थायी कृषि विकास से संबंधित सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रमों पर काम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएँ विकसित की जाएगी। दोस्तों ICAR की बात हुई, ICAR है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में ICAR का हेडक्वार्टर स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों 16 जुलाई 1929 में की गई। 16 जुलाई 1929 में ICAR की स्थापना की गई और इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो है नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है, वही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष है। अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी GFI की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? अमेरिकी शोध संस्थान है ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी GFR, उसने एक रिपोर्ट पेश की है जिसके अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफ़ेद करने के मामले में भारत की कौन से स्थान पर, टोटल 135 देशों को सूची में शामिल किया गया है जिसमें दोस्तों भारत का स्थान आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत इसके अंदर दोस्तों तीसरे स्थान के अंदर है।
तीसरे स्थान पर इसमें भारत को रखा गया है। GFI की रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले में चीन जो है वो 457.7 अरब डॉलर की राशि पर कर चोरी के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद मेक्सिको है जो 85.3 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर दोस्तों भारत है जो 83.5 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। रूस इसके अंदर दोस्तों चौथे स्थान पर है, और जो पोलैंड है वो इसके अंदर दोस्तों पाँचवें स्थान पर। तो एक नंबर पर इसके अंदर चीन है, दो पे मेक्सिको, तीन पे भारत, चार पे रूस, पाँच पे पोलैंड। तो दोस्तों ये है क्या मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है, अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, अपना अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन ऋषिकेश में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में 11 देशों के योग शिक्षक और चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। इस योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में हर साल 1 मार्च से 7 मार्च तक किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपन कब मनाते हैं, हर साल 21 जून को अपन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम है दोस्तों बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल है और त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये 7 तारीख है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है 7 तारीख है दोस्तों, ये 7 तारीख का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, कि विश्व वन्य जीव दिवस 2020 की थीम क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस 2020 जो है उसकी थीम आपको बतानी है, उसका सब्जेक्ट आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोस्तों इसी के साथ आज का अपना सेशन ख़त्म होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल वाले बटन को दबाकर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो की यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।